नमस्कार किसान भाइयों, आर्किबिडस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह डीबी ग्रोस का मेल चेक्स है। यदि इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको 35वां दिन हो चुका है। 35वें दिन आप देख सकते हैं कि चूजे की जो ग्रोथ है काफी तेजी से, काफी अच्छे से बड़ा हो रहा है। और इसके बॉडी वेट की बात करी जाए 35वें दिन तो यह लगभग 350 से 400 ग्राम इसका बॉडी वेट ले चुका है। आप देख सकते हैं कि ये मेल चेक्स में आपको सभी चेक्स में कलगी देखी, सभी बर्ड में कलगी दिख रही है और काफी अच्छे से कलगी आ रही है। देख सकते हैं कि सभी बर्ड में लाल लाल कलगी दिख रही है। इसमें 90 से 95% मेल है और मुश्किल से 4 या 5% इसमें मुर्गी है। मुर्गी तो मैं इसको इसमें दिखा ही नहीं दे सकती है। और आज हम बात करते हैं 35वें दिन इसमें कितना दाना खा है। तो 35वें दिन किसान भाइयों इसने लगभग 4 बैग दाना खा चुका है। 4 बैग कितना, 50 kg का जो बैग रहता है वह 4 बैग खा चुका है। आज ये 5वां के बैग खोल दिया है। इसको कॉकरेल का क्रम्स खिलवा रहा हूँ जो रहता है। ये फीड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं शुरू से लेके आखिरी तक इसको यही फीड खिलवाता हूँ। यह प्री स्टार्टर या बीच का फीड भी कहा सकता है। यह पतला भी रहता है और मोटा भी रहता है। हमारे इधर यह सस्ता फीड रहता है, कम से कम यह 1800 का इसका बैग मिल जाता है। इसीलिए एक दिन से लेके लास्ट तक मैं इसको यही खिलाता हूँ। लेकिन आपके क्षेत्र में यदि आपके पास दाने की पर्याप्त अवेलेबल है और यदि आपको सस्ता दाना मिलता है तो शुरुआत में आप प्री स्टार्टर फीड खिलाएं, प्री स्टार्टर के बाद स्टार्टर फीड खिलाएं, फिर स्टार्टर फीड के बाद जो रहता है फिनिशर फीड खिलाएं। फीड हमेशा 3 प्रकार का रहता है, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। 3 प्रकार का फीड हमेशा खिलाना पड़ता है। शुरुआत में 1 महीने तक प्री स्टार्टर फीड, दूसरे महीने स्टार्टर फीड और जब लास्ट में रहता है तो उसको फिनिशर फीड खिलाना पड़ता है। जैसे ही बर्ड 500 ग्राम 600 ग्राम होता है तो फिनिशर फीड खिलाना पड़ता है। लेकिन हमारे इधर ये फीड सस्ता मिलता है, 1800 का बैग आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो हम शुरू से आखिरी तक उसको सिर्फ एक ही फीड खिलाते हैं, उससे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर फीड हो तो आप खिला सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि 35वें दिन बट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ ले रहा है और इसका वेट भी लगभग 400 ग्राम ले चुका है। अभी देखा जाए तो इसको रोज़ कम से कम मैं 2-3-4 दिन से ऑस्टोवेट प्लस विमरोल चला रहा हूँ, क्योंकि यह एक दूसरे को टोंचना खरोंचना चालू कर दिया है। इसीलिए इसको ऑस्टोबेट प्लस विमरोल चला रहा हूँ ताकि यदि फीड में किसी प्रकार का न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो तो इनको जो ऑस्टोबेट प्लस विमरोल मल्टीविटामिन चला रहा हूँ उनको न्यूट्रिशन की मात्रा पर्याप्त मिल जाए और यह एक दूसरे को टोंचना खरोंचना। और मैनेजमेंट की बात करी जाए तो आज इसमें बड़े बर्तन भी लगा दिए हैं। ये एक बड़ा बर्तन लगा दिया, वो बड़ा बर्तन लगा दिया है। सुबह आज थोड़ा सा मैच खेलने चले गए थे तो थोड़ा सा लेट हो गए, जिस कारण बच्चा थोड़ा सा भूखा हो गया, दाने के बर्तन खाली हो गए। तो तुरंत आगे फिर मैंने तुरंत आया, बोरी ऊपर रखवाई क्योंकि दल दाना भी ख़त्म हो गया था। बोरी ऊपर रखवाने के बाद तुरंत इनको दाना फटाफट डाला ताकि बच्चे एक दूसरे को टोंचना खरोंचने। क्या यदि आपके इधर फीड ख़त्म हो गया तो जैसे ही फीड ख़त्म हो जाता है तो उसमें ये रहता है, यह स्ट्रेस में आ जाता है और स्ट्रेस में जब आता है तो यह एक दूसरे को टोंचना खरोंचना चालू कर देता है। 2 बच्चों को करीब हीमैक्स क्रीम लगा दी है ताकि किसी प्रकार उनको टोंच खरोंची ना हो और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि 35वें दिन सभी बर्ड आराम से घूम रहा है और अच्छे से मूवमेंट कर रहा है। मैं समय समय पर आपको नई नई जानकारी देता रहता हूँ जिससे कि आप मुर्गी पालन के व्यवसाय में सफल मुर्गी पालक बने। और मेरे द्वारा यदि दिए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आर्किबिडस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।